सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी आईएएस। और हम वापस आए हैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज डेट है 4th ऑफ अक्टूबर 2017 और देखते हैं पीआईबी आज हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाया है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में। ही वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ नेशनल मूवमेंट। संस्कृत और इंग्लिश के बहुत अच्छे स्कॉलर थे एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एमए एट ऑक्सफर्ड। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया, जो कि हमारे एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फाउंड करी थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस एंड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन। ये एडमायरर थे दयानंद सरस्वती के कल्चरल नेशनलिज्म के अप्रोच से और हर्बर्ट स्पेंसर से। कृष्ण वर्मा जो थे वो बिलीव करते थे कि रेजिस्टेंस टू एग्रेशन इज नॉट सिंपली जस्टिफाइड बट इम्पेरेटिव। सिर्फ जस्टिफाइड ही नहीं है, वो ज़रूरी भी है। इन 1905 इन्होंने फाउंड करी इंडिया हाउस और एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो कि रैपिडली बहुत ही ज़्यादा फैलते गए सारे के सारे ब्रिटेन में और बहुत ज़्यादा रेडिकल नेशनलिस्ट की फीलिंग उन्होंने डेवलप कर दी इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर। और अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन रिवोल्यूशनरी थे आउटसाइड इंडिया। ओके, ही वॉज मोस्ट फेमस अमंग दी ब्रिटेन स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, अपार्ट फ्रॉम हिम जो हमारे वीर सावरकर थे वो भी मेंबर थे ऑफ द इंडिया हाउस। ओके, तो आपको याद रखना है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस को फाउंड करते हैं और उसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं वीर सावरकर। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश प्रेस वर एंटी श्यामजी एंड कैरिड आउटरेजियस एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एंड हिज न्यूज़पेपर। ही डिफेंडेड देम बोल्डली। द टाइम्स रेफर्ड टू हिम एज द नोटोरियस कृष्ण वर्मा। तो देखो, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो इनका न्यूज़पेपर था उसकी एक पिक आपकी स्क्रीन पे आ रही है, उसमें लिखा हुआ है एडिटेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड ही वाज एमए फ्रॉम ऑक्सन। ये बेसिकली लंदन अगस्त 1909 के एक न्यूज़पेपर की क्लिप है। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है एक और नई टर्टल सेंचुरी को एस्टेब्लिश करने की। तो इस बारी जो टर्टल सेंचुरी है वो एस्टेब्लिश होने वाली है अलाहाबाद में। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम एस्केलेटिंग एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, डेवलपमेंट ऑफ अ टर्टल सेंचुरी इन अलाहाबाद अलॉन्ग विद अ रिवर बायोडाइवर्सिटी पार्क एट संगम हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंचुरी है इसको जो एस्टेब्लिश करने की बात की गई है वो है अंडर आर नमामि गंगे प्रोग्राम। तो इस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 1.34 करोड़ रुपीज़। और इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ रिवर बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि अलाहाबाद में ही होगा, इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टर्टल रेयरिंग सेंटर जिसके अंदर एक परमानेंट नर्सरी एट त्रिवेणी पुष्प एंड मेकशिफ्ट एनुअल हैचरीज भी यहाँ पे होंगी एंड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर गंगा एंड इम्पेरेटिवनेस ऑफ इट्स कंजर्वेशन हैज बीन अप्रूव्ड। साथ साथ अगर इस रीजन की बात करें तो रिवर गंगा एंड यमुना एट अलाहाबाद आर होम टू सम ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड फौना लाइक टर्टल्स। तो टर्टल्स में जो मेन है वो है बातागुर काचूगा, बातागुर डोंगोका, निल्सोनिया गैंगेटिका, चित्रा इंडिका, हाइडेला थुर्जी, बहुत सारे हैं ऐसे नाम मुश्किल मुश्किल। दी नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो कि हमारा है गैंगेटिक डॉल्फिन, वो भी अलाहाबाद के रीजन में पाई जाती है। इसके साथ साथ घरियाल्स एंड न्यूमरस माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स। तो ये न्यूज़ हमने बहुत दिन पहले भी डिस्कस करी थी कि जो कांडला पोर्ट है उसको रीनेम करके दीनदयाल पोर्ट के नाम से अब बुलाया जाएगा। अब कैबिनेट ने उसे फाइनल अप्रूवल दे दिया है, तो अब जो हमारा कांडला पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे पीआईबी की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।